नमस्कार, मैं यशवंत। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बैठा था, YouTube देख रहा था, तो YouTube पर एक चैनल है दवार करके, और दवार की जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है उनका नाम है मिस आरफा खानम शेरवानी, और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनके विचारों से भारत जैसा देश अस्थिर हो सकता है, या फिर इस तरह की मानसिकता को पोषण मिल सकता है जो राष्ट्र विरोधी कार्य कर सकते हैं। मैं जो मेरा कल का वीडियो था, आप देखे होंगे, जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में मैंने चीज़ों को रखा था, और जो चीज़ें सही हैं जो गलत हैं उनके बारे में मैंने वहाँ पे अपने विचार साझा किया था। पर दोस्तों, जब मैंने इनकी वीडियो देखा तो वहाँ पे किस प्रकार से जो अमेरिका में जो हिंसा हो रही है, जॉर्ज फ्लॉयड व्यक्ति जो श्वेत व्यक्ति था जिसे एक श्वेत पुलिसकर्मी के द्वारा मार दिया गया, उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं अमेरिका में पूरी युद्ध की स्थिति बन गई है, किस प्रकार से लोग तमाम तरह के हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पर सोचिए, वहाँ पे जो समस्याएं हैं जो चल रही हैं, ठीक है, वहाँ का लिंक किस प्रकार से यहाँ पे जोड़ के देखा जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से अश्वेत लोग अमेरिका जैसे देश में खुलेआम मारे जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता है, और वही स्थिति है भारत जैसे देश में मुसलमानों की। तो मैं आपको बता दूं, एक किस तरह से मुसलमानों के सहारे अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं, और एक तरह से इनकी जो मानसिकता है वो भारत जैसे देश को अस्थिर करने की कहीं ना कहीं है, और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को पोषण देने का ये काम हमेशा करती आई हैं, आप देख सकते हैं। आप सोचिए, हमारे यहाँ पालघर की अगर मैं बात करूँ, दो जो है कि साधुओं को निर्मम तरीके से जिस प्रकार से हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई, उस पे मतलब कोई भी पत्रकार खुलकर बात करने के लिए नहीं आया, और ना किसी ने गंभीरता से इस विषय को लिया। अब ना मालूम वो चैप्टर कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, क्योंकि वो हिंदू थे ना, हिंदू मरते हैं तो मरने दीजिए, उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद आप देखेंगे बुलंदशहर, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार से दो साधुओं की हत्या कर दी जाती है, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं कहा गया। वेस्ट बंगाल में 3-4 दिन पहले की घटना है, 4 हिंदू युवकों को मारा गया, वहाँ पर भी राज्य सरकार हो चाहे अपने आप को जो लोग चटुकारिता वाले जो पत्रकार कहते हैं, उनका भी किसी का कुछ भी जो है किसी भी विषय पर कुछ बातें नहीं हुई। पर दोस्तों, किस प्रकार से दे सकते, इनकी छाती अब फूट रही है, मतलब घटना कहीं और का है, पर ये लोग प्रदर्शन और विरोध भारत जैसे देश में भी कर रहे हैं। यदि भैया आपको प्रदर्शन और विरोध करना है, अपनी बातें रखनी है, तो भैया आप अमेरिका चले जाइए, वीजा वीजा ले लीजिए बाकायदे अमेरिका जैसे देश से, और कहिए हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम भी अश्वेत की तरह ही हैं, हमारी स्थिति भी भारत जैसे देश में वही है। अब ये सोचिए, भारत जैसे देश में स्पेशल जो माइनॉरिटी है यहाँ की, और स्पेशली मात्र मुसलमानों को जो यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाता है, जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो किसी भी देश में किसी भी मुसलमान को नहीं दिया जाता है, फिर भी इतना सब कुछ देने के बाद यदि आप भारत को अस्थिर करने की बात करते हैं, तो ये आपकी मानसिकता कहाँ तक जाएगी और क्या कराएगी, मैं हैरान हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे रवीश कुमार जी हों, चाहे अभिसार शर्मा जी हों, चाहे मिस आरफा खानम शेरवानी जी हैं, यदि कहीं भी कोई हिंदू मारा जाता है, कहीं हिंदू पीड़ित होता है, तो उसके विषय में कोई बातें नहीं की जाएंगी। बस ये जब इनका थंबनेल पढ़ेंगे ना यूट्यूब पे, या फिर जब आप टीवी में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित है वो ज़्यादातर मुसलमान होगा, या फिर वो बातें करेंगे जो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। ये देखिए मजदूर किस हालात में जा रहे हैं, इनके साथ हमारी भी संवेदनाएँ हैं, पर आप लोगों की तरफ, आप लोग भी तो सक्षम थे। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई पद है, फिर भी वो किस प्रकार से सच्चे मन भाव से, सुन सूद की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हजारों प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया। वो भी चाहता तो आप लोगों की तरह किसी को लेकर कटाक्ष करता बंदा, पर आप लोगों की तरह नहीं, उसने सच्चे भारतीय होने का फर्ज निभाया, और जाति और धर्म से ऊपर उठकर उनने सबसे पहले मानवता की सेवा की। तो इन विषयों पर यदि आप लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता समझ में आती है कि आप पूरी तरह से मात्र
जब आप वैश्विक स्तर पर जाते हैं जहाँ पर आपको सम्मान दिया जाता है, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर आपको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, तो आप जानते हैं वहाँ पे क्या बातें करते हैं? मात्र भारत जैसे देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं कि भारत जैसे देश में मुस्लिम असुरक्षित है, आदिवासी असुरक्षित है, महिलाओं की इज्जत नहीं की जा रही है, महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है। पर आप ये कभी भी नहीं बात करेंगे कि किस प्रकार से जो स्पेशल आर्टिकल 370 एंड 358 था उसे एबोगेट किया गया, किस प्रकार से ट्रिपल तलाक जो 1500 साल से कुप्रथा था उसको किस प्रकार से कह सकते हैं खत्म किया गया, उस पर तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं, इन विषयों पर आप कभी भी बात नहीं करेंगे। और जो बात करता है ना, आप किस प्रकार से उनका गला दबाने की मंशा रखते हैं, मंसूबे रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत जी के बारे में। ये जब मॉब लिंचिंग हुआ पालघर में, तो किस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को सख्ती के साथ लोगों तक पहुंचाया, और उन्होंने कहा भी हमारे भारत जैसे देश में आप देख सकते हैं जब साधुओं की मौत होती है तब किस प्रकार से जो बॉलीवुड खेमा है एक तरफ हो जाएगा, मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जो कुछ बोलेगा भी तो इनको किस प्रकार से इनका विरोध किया जाएगा, इनका बायकट किया जाएगा। मैं बता दूं ये एक ऐसी शेरनी है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं जब भाई भतीजावाद चला था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो इन्होंने सख्ती के साथ विरोध किया, और उसके बाद जो बॉलीवुड का एक खेमा था पूरी तरह से एक तरफ हो गया, और इनको कई जगहों पे इनका बायकट किया गया। फिर भी ये शेरनी डरी नहीं, और जो वास्तविकता है उस चीज़ को ये पूरी प्रयास करती हैं दिखाने के लिए। और इसी वजह से दोस्तों इस जो कंगना रनौत जो शेरनी है इसे किसी मेल एक्टर की ज़रूरत नहीं है, और इन्हें के जो विचार हैं बहुत ही कह सकते हैं वो देश के साथ में होता है, ना देश के विरुद्ध होता है। तो जिस प्रकार से इन्होंने तमाम तरह की हिंसाओं को रखा है देश के सामने, इसे गंभीरता से लिया जाए। यदि कहीं भी किसी हिंदू या देश में कोई भी हो अगर उसका उत्पीड़न होता है तो उसको आप दुनिया के सामने रखें, ऐसे छुपाने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है भैया, यदि आपको हमारे भारत जैसे देश को अस्थिर करने के यदि आप मंसूबे रखते हैं तो ऐसा ना करें, नहीं तो स्थिति गंभीर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी योगी जी को भेजना पड़े, ठीक है। तो इस तरह की आप लोग दिक्कतें ना करें, क्योंकि अभी जिस तरह से रिसेशन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, हमारा देश हो या फिर वैश्विक देशों को किसी भी देश को उठा लीजिए, इस समय वहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है। यदि कुछ लोग मुट्ठी भर मिल के यदि वो सोच रहे हैं हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे या फिर भारत जैसे देश को अस्थिर कर देंगे, क्योंकि तमाम तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके मंसूबे और आपके मंसूबे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, सेम है, मात्र फर्क ये है कि वो दूसरे देश से आए होते हैं और भारत जैसे देश में ही रह के भारत की सारी चीज़ें यूज़ करके भारत जैसे देश को आप एक तरह से डुबने जो ख़त्म करने की जो मंशा रखते हैं, तो वो चीज़ें तो सब लोग देखे ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।